प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस बिजनेस में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं यानी कि जो इंश्योर है और इंश्योर्ड है जो पॉलिसी होल्डर है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए कुछ रूल्स ऑफ एक्शंस होते हैं या फिर रूल ऑफ कंडक्ट होता है जो कि उनको एडॉप्ट करना होता है जब भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं तो टू इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योर एंड द इंश्योर्ड हैव टू अप होल्ड द सेवन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस मैंसन विलो तो किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो इंश्योर होते हैं और इंश्योर्ड होते हैं उनको सेवन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हैं सेवन रूल ऑफ कंडक्ट हैं सेवन रूल ऑफ एक्शन है जिसको फॉलो करना होता है कौन कौन से है पहला है अटमोस्ट गुड फेथ दूसरा है प्रॉक्सिमेट कॉस्ट तीसरा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट चौथा है इंडम्यनिटी पाँचवा है सब्रोगेशन छठा है कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेवेंथ है लॉस मिनिमाइजेशन तो इन सातों प्रिंसिपल्स को हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले है अटमोस्ट गुड फेथ यानी कि अच्छी भावना देखिए किसी भी रिलेशनशिप की हो यहाँ पर हम इंसोर और इंसोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं अगर आप अपनी निजी जिंदगी में भी देखेंगे तो अगर आपका किसी से अच्छा रिलेशनशिप है और अगर आप उसमें कोई भी बात छुपाते हो अपने दोस्त से अपने फ्रेंड से या फिर अपने पेरेंट्स से कोई भी बात छुपाते हो और बाद में वो बात किसी और से पता चलती है तो फिर वहाँ पर जो रिलेशन है वो खराब होता है तो कहते ना कि दो लोगों के बीच में कोई भी बात छुपी नहीं होनी चाहिए सारी चीजें शेयर करनी चाहिए जिससे कि रिलेशन अच्छे से चले जिससे बीच में तो यहाँ पर भी फेथ जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको कोई भी बात कोई भी चीज नहीं छुपानी चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड और सिमिलरली अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको क्लियरली मैंशन करना चाहिए और जो पॉलिसी होल्डर उसको बताना चाहिए जिससे कि बाद में कोई कंफ्यूजन न हो तो यानी कि अच्छी भावना के साथ यहां पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उबेरमी फिदे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ बोज द इंश्योर एंड द इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ टूअर्ड्स ईच अदर इन रिगार्ड टू द कॉन्टैक्ट यानी कि अच्छी भावना के साथ दोनों पार्टीज को काम करना चाहिए दोनों पार्टीज को कोई भी बात छुपानी नहीं है जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है पॉलिसी को लेकर वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी चाहिए इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंस्योर्ड टू वॉलंट्रीली मेक फुल एक्ूरेट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल फैक्ट्स मेटेरियल टू द रिस्क बींग प्रोपोज तो जिस भी पर्पज़ के लिए आप इंस्योरेंस ले रहे हो उस पर्पज़ से रिलेटेड सभी सभी इंफॉर्मेशन सभी जो ियल फैक्ट्स हैं उनको आपको जो वहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहिए सेल in तो कर रहा है insurer, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी टर्म्स एंड कंडीशन को कॉन्ट्रैक्ट में करे और उसको बताए पॉलिसी होल्डर को वहीं पर जो पॉलिसी होल्डर जो इंश्योर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली डिस्क्लोज करे किसको इंश्योर को फेलेोर टू मेक डिस्कलोजर ऑफ मेटेरियल फैक्ट्स बाई द इंश्योर्ड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वाइडेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योरेंस जैसे कि सपोज करिए कि मिस्टर ए है उन्होंने एक हेल्थ पॉलिसी ली लेकिन मिस्टर ए स्मोक है करते हैं और ये इंफॉर्मेशन उन्होंने छुपाई उन्होंने पॉलिसी में इस इंफॉर्मेशन को नहीं बताया तो इस केस में बाद में उनको जो चल के आगे कैंसर हो जाता है तो इस केस में जो इंश्योरेंस है वो वॉयडेबल हो जाएगा इंश्योरेंस जो है उस पॉलिसी को वॉयडेबल कर सकता है उसको खत्म कर सकता है उसको वैलिड नहीं माना जाएगा क्लियर क्योंकि उसने वहाँ पर उसने छुपाई उसने जो है फैक्ट छुपाया हेल्थ पॉलिसी ले रहे हो पहले से स्मोक करते आ रहे हो यानी कि आपको पहले से बीमारी होगी तो कहीं ना कहीं ये आपने फैक्ट छुपाया है और इस वजह से जो है आपकी पॉलिसी वहां पर रद्द कर दी जाती है तो इसीलिए अच्छी भावना के साथ अटमोस्ट गुड फेट के साथ और सभी फैक्ट्स को मेटेरियल फैक्ट्स को इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को वहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहिए पहला प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस यही होता है दूसरा प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का दैट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा योग ब्याज यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो भी पर्सन किसी भी चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रहा है तो उसका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए यानी कि उस प्रॉपर्टी से उस चीज़ से उसकी अर्निंग होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपकी अर्निंग उससे कुछ होती नहीं है आपका कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं और आप उसका इंश्योरेंस ले रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट सम पेक्नोरी इंटरेस्ट इन दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि पेक्नोरी का मतलब क्या होता है कि कनेक्टेड विथ मनी और पेमेंट तो यानी कि जिस भी चीज का आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए यानी कि उससे आपको कुछ मॉनिटरी बेनिफिट होना चाहिए हो रहा हो तभी आप जो उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस तो जिस भी चीज के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें आपका जो है इंसुलेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उससे आपको कुछ ना कुछ मॉनिटरी बेनिफिट होना चाहिए थिंग और लाइफ इंस्योड सो दैट हैपनिंग ऑफ द इवेंट अगेंस्ट विच ही और शी इज इंश्योर्ड अब एग्जाम्पल के तौर तो पर समझिए कि द ऑनर ऑफ़ अ वेजिटेबल कार्ड हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कार्ड बिकॉज ही इज अर्निंग मनी फ्रॉम इट तो जो ऑनर होता है वेजिटेबल कार्ड का यानी कि सब्जी का ठेला लगा रहे हो तो सब्जी के ठेले के लिए अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो यानी कि वहां पर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्योंकि सब्जी के ठेले से आपको जो है पैसा अर्न हो रहा है उसी से आपको जो है लाइवलीहुड चल रहा है यानी कि आपका उसमें इंसोरेबल इंटरेस्ट है और आप उसके लिए वहाँ पर इंश्योरेंस ले सकते हैं तो इंसुरबल इंटरेस्ट करने का मतलब यही है किसी को जो भी जिस भी चीज के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसमें जो इंश्योर्ड है उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उससे उसको जो है पैसा मिल रहा हो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज यानी कि हानि से सुरक्षा तो इंडेमिटी क्या होता है अकॉर्डिंग टू इट द इंश्योर अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर द लॉस कॉज टू हिम और हर ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड आपने जो है किसी प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस लिया है और उस प्रॉपर्टी को अगर जो है नुकसान हो जाता है आग लग जाती है या फिर चोरी हो जाता है तो जितने का भी नुकसान हुआ होगा उतने की भरपाई जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पॉलिसी होल्डर को करेगी क्लियर पॉलिसी होल्डर यानी कि इंस्ट्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी यानी कि इंश्योर तो इनडेमिनटी तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है इंश्योरेंस अगर आपने लिया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है तो जितने का नुकसान होगा उतने की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी द कंपनसेशन पेबल एंड द लॉस सफर्ड आर टू बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी तो आप जो कंपनसेशन अमाउंट होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि कितने अमाउंट का लॉस हुआ है जितने अमाउंट का लॉस हुआ होगा

टिव का प्रिंसिपल है वो लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं होता है इंडेम्यूटिव का मतलब समझ में आ गया सपोज कोई मिस्टर ए ने दस लाख का जो है इंश्योरेंस रखा था अपने वेयर हाउस में रखे हुए सामान के लिए उस सामान में से आग लग जाती है उस सामान में से पांच लाख जो है पांच लाख रुपए तक का सामान जो है वो जल जाता है तो अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आएगी चेक करेगी और वो जो है मेजर करेगी कि, कि कितने अमाउंट का नुकसान हुआ है अगर पांच लाख रुपए का नुकसान हुआ है तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी वो पांच लाख रुपए तक का वहां पर जो है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी तो दैट ज कॉल्ड इंडेमनिटी नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल दॉक्सिमेट कॉस्ट यानी कि किसी भी हानि होने का निकटतम कारण क्या है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एंड इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइन टू प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली फॉर सच लॉसेज एज आर कॉस्ड बाई द पेरेंट्स विच आर स्टेटेड इन द पॉलिसी यानी कि बहुत सारी पॉलिसी होती है सभी पॉलिसी में तकरीबन ये चीज़ मैंसन होती है कि किस चीज़ों से दुर्घटना होगी तो ही आपको जो है वहाँ पर आपको भरपाई होगी कंपनसेशन मिलेगा तभी आपको जो है वहाँ पर पैसा मिलेगा इन केस ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ एनी मिस हैप द मोस्ट अप्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द मिसहैप शुड भी टेकन इन टू कंसिडरेशन अगर जो है सपोज कर कि किसी बिल्डिंग में आग लग गई अब उस आग लगने की वजह से किसी दूसरे पर्सन को जो है नुकसान हो हुआ है तो वहां पर जो है उसको भरपाई मिलेगी तो ये प्रोक्सीमेट कॉज होता है अब सपोज कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों की जो प्रॉपर्टी है घर है दोनों के आसपास से सेम जो है बाउंड्री शेयर कर रहे हैं अब जो है मिस्टर बी के घर में आग लग जाती है उसके बाद जो है वहां पर तूफान आ जाता है तूफान आने से जो है वो जो मिस्टर बी का जिसके घर पर आग लगी है उसका घर और गिर जाता है उसकी वजह से मिस्टर ए के घर को नुकसान पहुँचता है तो मिस्टर ए जो है अब वहां पर जो है फायर इंश्योरेंस के जरिए क्लेम करते हैं तो वहां पर उनको जो है क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि जो रूट कॉज है वो फायर है लेकिन जो उनका दीवार गिरा वो क्यों गिरा तूफान की वजह से स्टॉम की वजह से और स्टॉम की वजह से अगर कोई नुकसान होता है तो वहाँ आप पर आपको भरपाई नहीं मिलती है क्लियर तो ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है अगर मिस्टर बी के घर में आग लगी और जो वहाँ की म्यूनसिपल है वो वहाँ पे आती है और जो है उनके घर को पूरी तरीके से डिमोलिस करते हैं और उस डिमोलिस में मिस्टर ए का घर गिर जाता है तो उस केस में अगर मिस्टर ए ने फायर इंश्योरेंस लिया है तो वो जाके वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं उनको जो है वहाँ पर भरपाई मिलेगा वहाँ पर जो है उनको कंपनसेशन मिलेगा तो अप्रॉक्सिमेट कॉज क्या है किसी भी मिसहैपनिंग का वो वहाँ पर देखा जाता है और अगर वो मिसहैपनिंग जो मैंसन किया गया है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में है और उसकी वजह से ही जो है वहाँ पर मिसहैपनिंग हुई है तो वहाँ पर जो है कंपनसेशन दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेप

In a road accident, कि Mr. A है, उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो इंजर्ड हो जाते हैं क्लियर अब फाउंड गिली थर्ड पार्टी है, जिसने किया है, पता चलता है कि उसी की गलती थी लेकिन जो गलती थी वो थर्ड पार्टी की थी तो अब यहां पर जो क्या होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है जिससे लॉस हुआ है उसके साथ साथ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको ये राइट्स मिल जाता है कि अब वो जो है थर्ड पार्टी जिसने एक्सीडेंट किया था जिसकी वजह से मिस्टर ए को नुकसान पहुंचा है उसके ऊपर जो है वो केस कर सकती है और उनसे जो है वो क्लेम कर सकती है वो अमाउंट रिकवर कर सकती है आपने देखा होगा अक्सर कि बाइक में या फिर कार में हमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है ये इसीलिए जरूरी होता है कि कहीं आपकी गाड़ी से अगर कुछ नुकसान हुआ तो आपको क्लेम मिले ना मिले लेकिन आपकी वजह से जो दूसरे को नुकसान हुआ है उसको क्लेम जरूर मिलना चाहिए तो सब्रोगेशन ही होता है कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से मिस्टर ए को नुकसान हुआ है तो मिस्टर ए ने जिससे इंश्योरेंस लिया है वो वो कंपनी जो है मिस्टर ए को भरपाई करेगी और वही इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी से जाके क्लेम करेगी मिस्टर ए के बिहॉ से क्लियर तो दैट इज सब्रोगेशन नेक्स्ट जो है सिक्सथ प्रिंसिपल दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन का केस तब आता है जब किसी पर्सन ने एक से ज़्यादा कंपनी से सेम चीज के लिए इंश्योरेंस ले रखा हो कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल अप्लाइज वैन द इंश्योर्ड टेक्स मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर हमने जो है दस लाख की कोई प्रॉपर्टी है तो दस लाख की प्रॉपर्टी के लिए चार लाख का इंश्योरेंस मिस्टर ए कंपनी से लिया है और छः लाख का इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी से लिया है तो वो चीज़ वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि एज पर दिस प्रिंसिपल इट इज़ द राइट ऑफ एन इंश्योर हु हैज़ पेड क्लेम अंडर एन इंश्योरेंस टू कॉल अपॉन अदर लाइबल इंश्योरस टू कंट्रीब्यूट फॉर द लॉस ऑफ पेमेंट यानी कि दस लाख का प्रॉपर्टी है छः लाख का एक कंपनी से लिया चार लाख का एक कंपनी से लिया और जो है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है सपोज कि पाँच छः पाँच लाख का तो पाँच लाख का जब नुकसान पहुंचता है तो जो कंपनी ए थी जिससे छः लाख का इंश्योरेंस लिया था वो कंपनी पाँच लाख का कंपनसेशन जो है प्रॉपर्टी ऑनर को दे देगी लेकिन जो कंपनी ए है वो क्या करेगी कंपनी बी से भी जो है सेम प्रपोर्शन में जो है वहाँ से उससे जो है कॉन्ट्रीब्यूशन लेगी उस अमाउंट के लिए क्योंकि कंपनी बी से भी जो है वहाँ पर इंश्योरेंस लिया गया है तो पूरा का पूरा पाँच लाख तो कंपनी ए दे देगी प्रॉपर्टी ओनर को लेकिन पांच लाख का कुछ प्रपोर्शन जो कंपनी बी का होगा वो कंपनी ए उससे ले लेगी क्लियर तो द इंस्योर्ड कैन नॉट मेक प्रॉफिट बाई क्लेमिंग द लॉस ऑफ वन सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम डिफरेंट पॉलिसीज और कंपनीज तो यहाँ पर ध्यान वाली बात यह है कि जो प्रॉपर्टी ऑनर है वो यहाँ पर यह नहीं कर सकता है कि जो, जो कंपनी ए है उससे भी क्लेम कर ले और कंपनी बी से भी क्लेम कर ले नहीं आपको उतना ही क्लेम मिलेगा जितने का नुकसान हुआ है चाहे वो एक ही कंपनी से मिल जाए चाहे दोनों कंपनी को मिलाकर मिलेगा लेकिन मिलेगा उतना ही जितने का नुकसान हुआ है क्लियर तो ये यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप सोचो कि छः लाख का नुकसान हुआ है तो छः लाख मैं कंपनी ए से भी ले लूँ कंपनी बी से भी छः लाख ले लूँ नहीं आपको टोटल ही छः लाख मिलेगा चाहे वो तीन लाख कंपनी ए दे कंपनी बी दे या फिर पूरा का पूरा छः लाख कंपनी ए दे दे कॉन्ट्रीब्यूशन अब एग्जाम्पल देखिए ए प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज सिक्स लाख इज इंश्योर्ड विथ अ कंपनी ए फॉर रुपीज थ्री लाख एंड विथ कंपनी बी फॉर रुपीज थ्री लाख तो एक छः लाख की प्रॉपर्टी है जिसके लिए इंश्योरेंस दो कंपनी से लिया गया है कंपनी ए से तीन लाख का इंश्योरेंस लिया गया और कंपनी बी से तीन लाख का इंश्योरेंस लिया गया दोनों दो कंपनी है दोनों से तीन तीन लाख का इंश्योरेंस लिया गया है द ऑनर इन केस ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री लाख कैन क्लेम द अमाउंट फुल फ्रॉम कंपनी ए यानी कि अगर तीन लाख का जो है कहीं पर जो है नुकसान होता है डैमेज होता है प्रॉपर्टी ओनर को तो उस केस में जो है वो कंपनी ए से तीन लाख का पूरा वहाँ पर कंपनसेशन ले सकता है बट देन ही कैन नॉट क्लेम एनी अमाउंट फ्रॉम कंपनी बी क्लियर तो यहां पर तीन लाख का कंपनसेशन कंपनी से आपने ले लिया तो अब जो है आप कंपनी बी के पास जाके तीन लाख का कंपनसेशन नहीं ले सकते हो क्योंकि आपको नुकसान कितने का हुआ है तीन ही लाख का हुआ है तो आपको एक कंपनी से मिल गया तो दूसरे कंपनी से आप जाके तीन लाख नहीं मांग सकते हो अब जो कंपनी ए है उसके पास ये राइट होता है कि वो जो है सेम प्रपोर्शन अमाउंट में कंपनी बी से जाके मांग ले क्योंकि भाई कंपनी बी ने भी इंश्योरेंस दिया है तो कंपनी ए ही पूरा तीन लाख क्यों दे तो यहां पर क्या हो जाएगा कि कंपनी ए जो है कंपनी बी के पास जाकर डेढ़ लाख रुपए का वहां पर कंपनी बी से मांग सकती है कंपनी ए क्लियर क्योंकि कंपनी बी का भी जो है उसमें पूरा हिस्सा था कि भाई तीन लाख का जो इंश्योरेंस वहां पर लिया गया है तो तीन लाख में डेढ़ लाख कंपनी ए दे डेढ़ लाख कंपनी बी दे तो आप कंपनी ए ने पूरा का पूरा तीन लाख प्रॉपर्टी ऑनर को दे दिया है तो इस केस में कंपनी बी डेढ़ लाख रुपए कंपनी ए को दे देगी तो कॉन्ट्रीब्यूशन दो कंपनी है दोनों को कंट्रीब्यूशन करके जो है प्रॉपर्टी ऑनर को वहां पर कंपनसेट करना होगा तो कॉन्ट्रीब्यूशन तभी अप्लाई होता है जब वहां पर एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी लिया गया हो सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए वहीं पर जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेवंथ प्रिंसिपल दैट इज मिटिगेशन यानी कि कम करना प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन भी कहा जाता है सपोज कि किसी के घर में आग लग जाती है तो अब वहां के उस ऑनर की ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि जितना सामान बचाया जा सके उसको बचा ले यानी कि उसको लॉस को डैमेज को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कहता है दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक रिजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी ये जो है इंस्योर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोशिश करे रिजनेबल स्टेप्स ले कि जिससे जो भी डैमेज हो रहा है वो कम से कम डैमेज हो कम से कम लॉस हो जो प्रॉपर्टी है सपोज गुड्स केप्ट इन अ स्टोर हाउस कैच फायर देन द ऑनर ऑफ द गुड्स शुड ट्राई टू रिकवर द गुड्स एंड सेव देम फ्रॉम फायर टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज कहीं पर प्रॉपर्टी पर आग लग गई उसका आपने इंश्योरेंस रखा था तो आप खड़े खड़े देख नहीं सकते कि जल जल्द जाने दो जल जाने दो हमने तो इंश्योरेंस लिया नहीं आप कोशिश करो कि जितनी बचा सकते हो उतना आप बचा लो तो, तो दैट इज प्रिंसिपल

सेट करेंगे लेकिन वहां पे क्लॉज होता है कि अगर आप खुद गाड़ी पी के चला रहे हो आप ड्रिंक कर ले हो ड्रिंक करने के बाद जो है गाड़ी चला रहे हो और तब एक्सीडेंट होता है तो गलती किसकी थी आप थी आपकी आपकी आपने 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 स्टेप स्टेप लिया लिया ही ही नहीं नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप गाड़ी चला रहे हो तो आप जो है होशो हवास में चलाओ आप ड्रिंक करके गाड़ी ना चलाओ आपने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई गलती आपकी थी आपने मिटिगेशन वाला प्रिंसिपल ब्रेक किया और इस केस में फिर आपको जो है इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल सकता है तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन होता है क्लियर तो यहाँ पर टोटल सेवन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस होते हैं और इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है चाहे वो इंसोर्ड हो चाहे वो इंसुरर हो यानी कि चाहे वो कंपनी हो चाहे वो पॉलिसी होल्डर हो कौन कौन से अटमोस्ट गुड फेट प्रॉक्सिमेट कॉज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंडेमिनिटी सब्रोगेशन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लॉस मिनिमाइजेशन यू ऑल कीप की